इन्फॉर्मेशन सही है ना? मेरे बच्चे की कसम सर। तुम्हें इसकी बात का भरोसा है? मुझे तो इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है सर। चाहे कुछ भी हो, ये काफी समय तक वीरप्पन के साथ काम करता रहा है और उसी के साथ रहता था सर। किसी को तो भरोसा करना पड़ेगा ना। पहले वीरप्पन के साथ काम करने वाला आदमी अब हमारे साथ काम कर रहा है। 10 सालों से वो आदमी अपने परिवार के साथ इसी गांव में रहता है। अगर वो हमें धोखा देगा तो परेशानी तो उसी को होने वाली है, और वो इतना बेवकूफ नहीं है कि हमें धोखा दे। हमने उस गुरुनाथ को मारा वीरप्पन को जान से मारने के लिए। यह हमारे लिए बेस्ट चांस है। मुझे मिली हुई इन्फॉर्मेशन के आधार पर वेंकटाचलम गांव में रहने वाले एक आदमी से हाथी के दांत और चंदन की लकड़ियों का सौदा करने के लिए वो वीरप्पन एक ट्रेडर से मिलने आएगा। वेंकटाचलम गांव यहां से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। अगर हम पुलिस यूनिफॉर्म में गए तो इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है, इसीलिए हमें भेष बदल कर जाना होगा। मैं, शकील और कमला पहले कार में जाएंगे और तुम सब लॉरी को फॉलो करना। सुनो, जल्दी आना। ठीक है सर।
छोटा मुनि स्वामी, जिसे सभी लोग वीरप्पन नाम से जानते हैं, उसने एक एसटीएफ कमांडर को अपने साथ मिलाकर दिन दहाड़े एक पुलिस टीम पर आक्रमण करके 22 पुलिस वालों को शहीद कर दिया। अभी तक वीरप्पन ने 187 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, जिसमें 97 पुलिस वाले हैं। वीरप्पन को पकड़ने के लिए 3 राज्य मिलकर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुकी है। इस घने जंगल में जहां 30 फीट की दूरी से हाथी को देख पाना भी संभव नहीं है, वहां पिछले 10 सालों में न जाने कितने ही एसटीएफ पुलिस ऑफिसर वीरप्पन को पकड़ने में नाकामयाब रहे हैं। एक पुलिस ऑफिसर ने तो यहां तक कह दिया कि वीरप्पन को उसकी उम्र खत्म होने से पहले मार पाना नामुमकिन है, और शायद वीरप्पन भी यही चाहता है।
जंगल वाले चेकपोस्ट के करीब चाय बेचकर उसने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। वो अब जंगल के लोगों और हम पुलिस वालों की गलती से लाभ लेते हुए पूरी तरह से राक्षस के जैसा बन चुका है। बहुत साल पहले हमारे एक पुलिस ऑफिसर ने मीडिया को इंटरव्यू दिया था। वो मौत से बिल्कुल नहीं डरता, लेकिन वीरप्पन के हाथों नहीं मरना चाहता। अब अगर वीरप्पन कुछ दिन और जिंदा रहा तो मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जाएगी। वी हैव टू बी वेरी अलर्ट, केयरफुल एंड इंटेलिजेंट। हमारे डिपार्टमेंट ने उसकी ताकत को कम आंक कर अपने बहुत सारे ऑफिसर्स को खो दिया है। सॉरी सर, रात को थोड़ा सा लेट हो गया था, बहुत थक गया था। सॉरी सर। वी शुड बी अलर्ट एंड केयरफुल, वीरप्पन को पकड़ना है। टायर्ड माय फुट, ये सब बातें सुन सुन कर मेरे कान पक चुके हैं। सॉरी सर, मैं जानता हूँ मैं इस टीम के लिए नया हूँ, मगर बार बार ट्राई करने के अलावा और क्या कर सकता हूँ। क्या पढ़े हो बच्चे? BSc किया हूँ सर। हिस्ट्री पढ़े हो? वीरप्पन को पकड़ने में हमारी स्पेशल टास्क फोर्स की एक तरह की फेलियर हिस्ट्री है। चाहिए तो तुम्हारे पीछे वाले को पूछ लो, क्योंकि वो बहुत सालों से इसी काम में लगे हुए हैं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं सर, हमारी टीम में कृष्णा की तरह हिम्मत वाले ऑफिसर भी थे। एक्चुअली हुआ क्या है सर पता नहीं, वीरप्पन पास के गांव में कृष्णा को बेइज्जत करने के लिए पोस्टर लगाया था और चैलेंज किया था। उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करके कृष्णा रैम्बो की तरह अटैक करने गया। वहां 28 लोगों की जान गई, जिसकी वजह कृष्णा बना। वीरप्पन ने उसे बेवकूफ बनाया था। ए, उन लोगों को बेवकूफ मत कहना, नायक की तरह एक राक्षस को पकड़ने गए थे और वहां पर शहीद हो गए वो लोग। शशि ने बिल्कुल सही कहा, कृष्णा बेवकूफ नहीं था। अगर उस चैलेंज को नहीं लिया होता तो वहां रहने वालों का पुलिस पर से भरोसा उठ जाता और वीरप्पन हीरो बन जाता। दरअसल अपने डिपार्टमेंट वालों को उसके पास बॉम्ब रहेगा इस बात का अंदाजा ही नहीं था। पॉइंट यह है कि सक्सेस की तरह फेलियर की भी एक वजह होती है, इसलिए अपने अपने ऑफिसर्स का रेफर देखकर मुझे एक आइडिया आया है। अभी तक तो सभी ऑफिसर्स उसे जंगल से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और नाकाम रहे। मेरा आइडिया यह है कि उसे जंगल से बाहर बुलाया जाए। अरे मैंने मजाक किया यार, हंसो तो सही। सर, उसे जंगल में पकड़ने के बदले जंगल के बाहर बुलाकर पकड़ लिया जाए तो कैसा रहेगा? जोक्स अच्छा कर लेते हो। आई एम नॉट जोकिंग सर। मतलब तुम्हारा प्लान क्या है? मैं ये सोच रहा हूं कि
तुम एक सिंसियर ऑफिसर हो ये मैं जानता हूं, लेकिन वीरप्पन को पकड़ने के लिए तुम इतने इंटरेस्टेड क्यों हो? बताऊंगा सर, लेकिन अगर आप मेरे जज्बात की कदर करेंगे तभी मैं बताऊंगा सर। ओके, आई प्रॉमिस। मेरा खून खौलता है सर, मैं जाने कितने सालों से अपने डिपार्टमेंट का अपमान कर रहा है, कत्लेआम कर रहा है, दुनिया के सामने हम नामर्द साबित हुए। खैर ये प्रोफेशनल बातें हैं, पर्सनल मैं तभी हुआ जब उसने सुपरस्टार राजकुमार को किडनैप किया था। तब से सर कितने अच्छे इंसान हैं वो। उनको किडनैप करने वाली रात को बिजली, बारिश, इतनी जबरदस्त बारिश हो रही थी ऐसा लग रहा था जैसे आसमान टूटकर जमीन पर आ जाएगा। सर पूरा स्टेट, सिर्फ मुझे ही नहीं करोड़ों लोगों को तकलीफ पहुंची। उन हालात में राजकुमार सर कैसे रहे होंगे, उनकी मनस्थिति क्या रही होगी, उनके दिन कैसे कटते होंगे। उसी दिन से मैंने तय कर लिया कि मरने से पहले अगर जीते जी मुझे कुछ करना है वो ये कि उस वीरप्पन को मैं अपने हाथों से खत्म करूं। ओके, व्हाट्स योर प्लान ऑफ एक्शन? That's my plan, sir. देखो तुम्हारा प्लान तो सही लग रहा है, लेकिन ये वर्क कैसे करेगा ये मैं नहीं जानता। हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। सारे अवेलेबल ऑप्शंस में आई थिंक दिस इज द बेस्ट। अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ यू विल चूज योर ओन टीम, सेपरेट वर्क करोगे एंड दिस विल बी ऑफ द रिकॉर्ड, करेक्ट? यस सर। ओके, तो कब से स्टार्ट कर रहे हो? मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ सर। चीयर्स। सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, चाहे जर्नलिस्ट हो या फिर पॉलिटिशियन हो या फूड सप्लायर्स हो, यहाँ तक कि गन सप्लायर्स भी हो, वो सब लोग वीरप्पन से मिल सकते हैं मगर हम पुलिस वाले चाहकर भी उसे नहीं मिल पा रहे। स्टूपिड बेबी, पॉइंट ये है कि वीरप्पन उन लोगों को जब मिलने के लिए बुलाता है तभी वो लोग उससे मिलते हैं, क्यों है ना? लेकिन वीरप्पन पुलिस वालों को अपने आसपास नहीं फटकने देता। पुलिस उसको ट्रैक ना कर सके इसलिए उस मूछ वाले ने एक सिस्टम डेवलप किया है। वीरप्पन किसी से भी मिलने के लिए पहले वो आदमी को मैसेज भेजता है, उसके बाद वो इंसान वीरप्पन के आदमियों से मिलता है। इन सबको वीरप्पन गैंग का एक आदमी वॉच करता रहता है। अगर उन्हें पता चल जाए कि आने वाले को कोई फॉलो कर रहा है तो वो मीटिंग कैंसिल कर देता है। एक बार जंगल में घुसने के बाद उसे ट्रैक करना नामुमकिन है, और इसीलिए मैं वीरप्पन को जंगल के बाहर लाकर खत्म करना चाहता हूं। दिस इज नॉट अ जोक। अभी अभी वीरप्पन की स्ट्रैटेजी में और सोच में बदलाव आ रहा है, वरना वो सुपरस्टार राजकुमार जैसे लोगों को आखिर किडनैप क्यों करता? सर वीरप्पन ना बड़े लोगों को किडनैप करके अपनी डिमांड पूरी करना चाहता है और इन लोगों के जरिए सरकार के सामने सरेंडर करना चाहता है, मुझे ऐसा लगता है। श्रीनिवास भी ऐसे ही सोचता था। श्रीनिवास? हाँ, श्रीनिवास नाम का एक टास्क फोर्स फॉरेस्ट ऑफिसर था। वो वीरप्पन से बात करके उसे सरेंडर करवाना चाहता था। इसके लिए वो वीरप्पन के गांव गोपीनाथ गया। वहां उसकी माँ, उसकी बहन और गांव के सभी लोगों से वो मिला। उसने वहां सबको समझाने की कोशिश की कि वीरप्पन की वजह से ही गांव की तरक्की नहीं हो रही है, उसकी ही वजह से गांव में इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे हैं और फ्यूचर में भी उसकी वजह से ही गांव के बच्चों की तरक्की नहीं हो पाएगी। उसने उन्हें कन्विंस किया कि वो लोग वीरप्पन के सरेंडर करने में उनकी सहायता करें। गांव वालों की बात मानकर वीरप्पन श्रीनिवास से मिलने के लिए आया।
कैसे हो आप? छोड़ दो मुझे। मुझे छोड़ दो। तुम मेरे खिलाफ मेरे ही गांव वालों को भड़का रहा है और मेरी बहन पे तू गलत नजर डालता है। वीरप्पन को लगा कि उसकी जनता को उसके विरुद्ध भड़काया जा रहा है। वीरप्पन यह सोचता था कि उसकी बहन पर श्रीनिवास नजर डाल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था श्रीनिवास। वीरप्पन को सरेंडर करवाने की बात सोचकर वो जंगल में उसे ढूंढते ढूंढते पहुंचा। ऐसा क्या सच में ये हुआ था? नहीं, ऐसे कह रहा हूं। नहीं तो क्या, वहां ऐसा हुआ है, ऐसा मुझे कौन कहता? वीरप्पन की क्रूरता के बारे में सुनता हूं तो मेरा खून खौल जाता है। सर, हमारे बहादुर सैनिक जो उसकी वजह से शहीद हुए हैं, हमें उनका बदला लेना ही होगा। सर, वीरप्पन की बीवी मुत्तुलक्ष्मी के बारे में एक बात पता चली है। हमेशा रेट क्यों बढ़ा देते हो? गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किया हुआ है, उसी रेट पे बेचना चाहिए तुम्हें। ये बातें तुम्हें पता नहीं है क्या? प्रेस को इन्फॉर्म करके तुम सबका लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगी मैं। घबराइए मत, हम पुलिस वाले। पुलिस वाले? आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। वीरप्पन के बारे में सुना है आपने? कौन? वीरप्पन। वीरप्पन? हाँ हाँ, वीरप्पन। कौन है वीरप्पन? तो आपने वीरप्पन के बारे में कुछ नहीं सुना? वो मूछ वाला, वो जो डकैत है? यस, वही। क्या जानती हैं आप उसके बारे में? थोड़ा बहुत, मैंने पेपर और टीवी में देखा है उसे कई बार। किडनैप करता है ना लोगों को, हाथी को मारता है, चंदन को बेचता है, बस मुझे इतना ही पता है। वही वीरप्पन ना? इतना ही नहीं, क्या आपको पता है 184 लोगों का कातिल है वो, जिनमें से करीब 100 सिर्फ पुलिस वाले ही हैं। इतना ही नहीं, उसने खुद अपनी बेटी का भी कत्ल किया है। पता है आपको? क्या? उस वक्त जब एसटीएफ वाले उसे गिरफ्तार करने के लिए जंगल में पहुंचे, उस वक्त कुछ ऐसा हुआ। उसने अपनी बेटी को इसलिए मारा क्योंकि उसे लगा कि कहीं उसकी बेटी रोना शुरू कर देगी और उसकी रोने की आवाज एसटीएफ वाले सुन लेंगे। इतना बड़ा राक्षस है वो। लेकिन सर, आप ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हैं? उसे पकड़ने के लिए मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। What? वीरप्पन की बीवी मुत्तुलक्ष्मी जंगल से बाहर आती है, मगर वो किसी तरह के कोई अपराध में लिप्त नहीं है, इसलिए पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। मुत्तुलक्ष्मी अभी भी वीरप्पन के कांटेक्ट में है, ये हम जानते हैं। हमारे इन्फॉर्मर रियल एस्टेट ब्रोकर से हमें पता चला है कि वीरप्पन की बीवी एक किराए का मकान ढूंढ रही है। हम चाहते हैं कि तुम अपना ऊपर वाला फ्लोर उसे किराए पर दे दो और उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन उससे मिले वो हमें फॉरवर्ड कर दो। मतलब एक गुप्तचर की तरह? इसमें बुरा भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है, ये मैं तुमसे कह चुका हूं।
मैंने जो भी कहा है उसमें मेरा स्वार्थ है, इसी तरह तुम्हें भी सोचना होगा। मैं इस काम को एडवेंचर के लिए कर रही हूं या एक्साइटमेंट के लिए कर रही हूं या जो भी वजह सोचो, इस बात के लिए तुम्हारे अलावा और 5 लोगों को प्रपोजल मिला है और इन 5 में से सबसे बेस्ट को यह मौका मिलेगा। मैं सिर्फ 3 तक काउंट करूंगा और तुम्हें मुझे इसका जवाब देना होगा। यह अर्जेंट ऐसा मत सोचो, फिर भी तुम कितनी जल्दी यह फैसला लोगी यह मुझे जानना है, क्योंकि ऐसी बातों का जल्दी फैसला करने वाला ही हमारे डिपार्टमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। काउंटिंग शुरू करने वाला हूं। 1 आई विल डू इट। श्रेया, मैंने तुमसे झूठ कहा कि मेरा पति फॉरेन में है करके। अच्छा, क्यों? वीरप्पन का नाम सुना है क्या? नहीं। वीरप्पन? नहीं। तुम कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती हो क्या? वो मूंछ वाला वीरप्पन तो नहीं? वही। हाँ, उसके बारे में थोड़ा बहुत देखा है, लेकिन अभी उसके बारे में क्यों? दीदी, अपने हस्बैंड के बारे में बोलो ना। वही मेरा पति है और मैं उसकी बीवी। अगर ऐसा है ना तो ओसामा बिन लादेन मेरा हस्बैंड है। दीदी, वो मर्डरर तुम्हारा हस्बैंड है क्या? श्रेया, तुम जैसा सोचती हो वो वैसा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। तुम मेरी करीबी हो इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। लेकिन उनसे आप मिली कैसे? एक दिन मैं कुएं की तरफ जा रही थी, तभी हाँ?
डरो मत मुझसे। ऐसे मत देखो, मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूं। तुम मुझे बहुत पसंद आई। मैं तुम्हें पसंद आया? तुम्हारा बाप कहाँ है? क्या नाम है उसका? स्वामी। स्वामी कौन है? मैं तुम्हारी बेटी को लेकर जा रहा हूं, तुमसे भी अच्छा ख्याल रखूंगा इसका। तुमने आशीर्वाद दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है। बात पर यकीन करूंगी, आपका पति अच्छा आदमी हो सकता है, पर वीरप्पन ने अपनी ही बेटी को मारा है ऐसा पेपर में क्यों लिखा था?
पेपर में जो लिखा है वो सच नहीं है, वो सब पुलिस की मनगढ़ंत कहानी है। सच में वहां क्या हुआ था पता है? उस दिन पैर फिसल कर गिरने से ऐसा हुआ, उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मुत्तु लक्ष्मी ने तो अपनी बेटी की मौत की वजह कुछ और ही बताई मुझे। क्या उसने अपनी सगी आंखों से देखा था? नहीं। यानी वीरप्पन ने उससे जरूर झूठ बोला होगा। अगर ऐसा है तो आपको सच कैसे पता चला? टू बी फ्रैंक, उस वक्त तो मैं भी वहां नहीं था, वो भी नहीं थी। मुझे जिसने ये बात बताई वो भी वहां नहीं था। भगवान और वीरप्पन के अलावा वहां जो भी हुआ वो किसी को नहीं पता। मगर इसमें कोई शक नहीं है कि वीरप्पन की चुनी हुई जिंदगी ही उसकी बेटी की मौत की असली वजह है। श्रेया, तुम इतनी दूर आ चुकी हो, मुत्तु लक्ष्मी के तुम्हें और करीब पहुंचना है। पूरा ऑपरेशन मुत्तु लक्ष्मी तुम पर कितना भरोसा करेगी उसी पर डिपेंड करेगा। मदद करोगी? क्या बात है? वो बात यह है कि वो मुझसे मिलना चाहता है और उसके लिए हमें कोई जगह देखनी होगी, तो तुम hey! सर, इस तरह मुंह लटका क्यों खड़े हो? तुम्हारा घर वर डूब गया या सारी दौलत लूट गई? मजाक मत कीजिए सर, मेरे पास है ही क्या खोने के लिए। पर एक बात तो सच है, मेरा घर डूबने वाला है। मेरी बड़ी फैमिली मुझ पर ही डिपेंडेंट है। अपने बच्चों को सेटल करना है। माँ कैंसर से लड़ रही है, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। सर सर, मैं आपसे ईमानदारी से एक बात कहता हूँ, मैं डेपुटेशन पे यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा पगार मिलेगा, इसीलिए मैं वीरप्पन को पकड़ने वाली टीम में हूँ। सिंपति के लिए प्रॉब्लम्स मत बताओ बेटा, यही जिंदगी है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, यहां सिर्फ तुम अकेले प्रॉब्लम में नहीं हो, यहां काफी लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में तुमसे कहीं ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। सुनो, गलत वजह के लिए कभी गलत काम नहीं करना चाहिए। हम वीरप्पन को इसलिए पकड़ना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूंखार और वहशी, ना कि हमें ज्यादा तनख्वाह और तमगे मिले इसलिए। आई एम सॉरी सर, वो क्या है कि फैमिली के बारे में बताते हुए मैं थोड़ा यू आर राइट सर, इट्स ओके, चीयर अप नाउ सर, एवरीथिंग इज सर। वीरप्पन मुत्तु लक्ष्मी से मिलना चाहता है, वो मुझसे मदद मांग रही है। उसने कहा कि अगर मैं उसे मिलने की जगह बताऊंगी तो वो मुझे उसके बदले पैसे देगी। मैं क्या करूं अब सर? Thank you.
हेलो, यहाँ के मैनेजर आप ही हैं? तुझे मैनेजर लगता हूँ क्या? ओनर ओनर कौन है रे तू? वीरप्पन। सर सर, मैं ओनर नहीं हूँ सर, मैनेजर हूँ सर, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे बच्चों की कसम। ए सर के लिए कॉफी लाओ रे जल्दी। मैंने कब कहा कि हम लोग वीरप्पन के आदमी हैं? हम लोग वीरप्पन को पकड़ने के लिए आए, हम लोग पुलिस हैं। क्या पुलिस? अभी भरोसा हुआ? अगर तुम नहीं मानोगे तो हमें मनवाना पड़ेगा। देखो, हमें इस जगह का कोना कोना दिखाओ, लेकिन हम पुलिस वाले हैं, इस बारे में किसी को नहीं बताओगे। कॉफी नहीं है? मुझे ये जगह बहुत पसंद आई, कुछ दिनों के लिए किराए पर दे दो मुझे। सर, मगर मैं किराया नहीं दूंगा। दीदी, आपने कहा था ना कि आपको अपने पति से मिलने के लिए कोई जगह चाहिए। मेरे कजन का एक फार्म हाउस है, किसी को भी पता नहीं चलेगा, वो जंगल के पास में है। वो सब US में सेटल हो गए हैं, तो यहाँ सिर्फ नौकर ही है। मैंने उसे बताया कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ जा रही हूँ, आप एक बार वो जगह देख लो, आपके लिए वो कंफर्टेबल होगी या नहीं। रन्ना, कैसे हो तुम? नमस्ते सीरिया मैडम। नमस्ते लता मैडम। यही है वो जो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। सीरिया मैडम ने आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। यही कि आपके पति दूसर गांव में रहते हैं और आप यहाँ अकेली रहती हैं। हमका सब पता है। ये सब छोड़िए, हमें इन सब में कौनो दिलचस्पी नहीं है। आप ये बताइए का सेवा करें, फिल्टर कॉफी, कुर्ग कॉफी, कुंदापुर कॉफी, ब्लैक कॉफी, आइस कॉफी या कोल्ड कॉफी? आपको सच में ये सब बनाना आता है? सच में मैडम? आपको टी पसंद है तो बोलिए ना, माउंटेन टी, ग्रीन टी, आइस टी, लेमन टी। अरे बाबा बस करो रन्ना, एनी कॉफी। मछली पसंद नहीं। अरे हम जानत है, मैडम बता चुकी है आपको मछली पसंद नहीं है। इसको ट्राई कीजिए, ये आपको जरूर पसंद आएगी। नहीं लेकिन मैं एक बार चख कर तो देखिए, आपको जरूर पसंद आएगी। ट्राई करो ना दीदी, खा कर देखिए, फिर से दोबारा मांगेंगी आप। खा कर तो देखो, अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। क्या नाम है इस मछली का? वीरप्पन। और का इस मछली का वीरप्पन जैसा मूंछ होता है ना, इसीलिए लोग इसको वीरप्पन मच्छी ऐसा कहते हैं। अरे इतना काहे हंस रहे हो? तुम्हें पता है मुझे भी वीरप्पन की मूंछें बहुत पसंद है। आप अपना पति को भी लाओ, उनको भी वीरप्पन का मछली बहुत पसंद आएगा। श्रेया,
हमारे मिलने के लिए ये जगह तो ठीक है, लेकिन इन सब नौकरों का क्या करेंगे? आप टेंशन मत लीजिए, वीरप्पन तो हमेशा आपसे मिलने रात को ही आते हैं ना, तो उस दिन मैं सबको शाम को ही भेज दूंगी। सुनो, हम दोनों के मिलने के लिए एक जगह देखी है, अतिपट्टी फार्म हाउस में मिलेंगे, वो कोतागिरी जंगल के पास है। मेरी एक फ्रेंड है श्रेया, उसके रिश्तेदारों का है ये। श्रेया बहुत अच्छी लड़की है, वो बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। Yes. इसलिए वो मेरी मदद कर रही है। अंधेरा होते ही तुम यहाँ आ जाना, मैं इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आना। हाँ रिकॉर्डर लेकर आओ। सुनो, हम दोनों के मिलने के लिए एक जगह देखी है, अतिपट्टी फार्म हाउस में मिलेंगे, वो कोतागिरी जंगल के पास है। मेरी एक फ्रेंड है श्रेया, उसके रिश्तेदारों का है ये। श्रेया बहुत अच्छी लड़की है, वो बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, इसलिए वो मेरी मदद कर रही है। आपसे एक बात कहनी है, यहाँ आ जाना। ऑल सेट सर, जाल फेंक दिया है, वो मछली अब हमारे जाल में फंसने ही वाली है। खुशखबरी सुनाने के लिए फोन करूंगा। And this is my word, sir. Okay, waiting for the dish. All the best. Thank you, sir. इन्फॉर्मेशन मिली है कि तुम्हारी फ्रेंड जो है वो पुलिस की तरफ से हो सकती है। तुम जहाँ रह रही हो
वहाँ सीक्रेट कैमरा और माइक भी लगा हुआ है। तुम वहाँ पर ध्यान से रहो, उनकी नजरें तुम पर लगी हुई हैं। हो सकता है कि काम करने वालों में से पुलिस वाले भी हों, इसलिए मैं वहाँ नहीं आ रहा हूँ। वक्त देखकर मैं तुम्हें फिर से समाचार भेजूंगा। कोशिश करो तुम वहाँ से निकल लो। तुम पुलिस की मुखबिर हो, ये उस मूछ वाले को पता चल गया है। हा? कैसे पता चला ये मालूम नहीं है, बट यू डोंट वरी, मैं जैसा कहता हूँ वैसे करती जाओ। दीदी मैं आपको एक जोक सुनाऊं, इतना हंसोगे कि क्या बताऊं। क्या हुआ दीदी? वीरप्पन ने मैसेज भेजा है हाँ कि तुम पुलिस से मिली हुई हो। मैं पुलिस वाली हूँ, ये क्या बात करी है आप? मैंने कहा ये मैसेज वीरप्पन ने भेजा है। आपकी मदद करने के लिए मैंने इतना बड़ा रिस्क उठाया, इतना सब कुछ अरेंज किया, और आप उल्टा मुझ पर ही शक कर रही हैं। फ्रेंडशिप ऐसी होती है क्या? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मुझ पर ऐसे शक करेंगी। श्रेया, ऐसा उसने कहा है। सब पर शक करना उसके लिए मामूली बात है, उसे कुछ गलत फहमी हुई होगी। मैं खुद से ज्यादा तुम पे भरोसा करती हूँ। अब वो यहाँ कभी मिलने नहीं आएगा, हम यहाँ से निकलते हैं। मुत्तुलक्ष्मी ने वीरप्पन के द्वारा बताए हुए स्पाई कैमरे के बारे में श्रेया से पूछा नहीं, लेकिन उसको श्रेया पर शक पक्का होगा। सो उनके आने से पहले वहां जाकर सारे स्पाई कैमरे और माइक्स निकाल दो। गॉट इट? Charlie speaking. Yes sir. क्या हुआ? Operation is off. Reason बाद में बताऊंगा। अभी के लिए relax हो जाओ। Okay sir. Shashi. अचानक पता नहीं क्यों। सॉरी सर, ऑपरेशन इज कॉल्ड ऑफ। वीरप्पन नहीं आ रहा है। क्या कहा? कुछ बताया नहीं। चलो चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो, जल्दी चलो 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 आगे बढ़ो। राउंड अप राउंड अप। कम ऑन कम ऑन फास्ट, चलो चलो मूव मूव। Come on, come on!
कम ऑन। जल्दी चलो यहां से जल्दी। क्या कर रहे हैं जल्दी इस तरफ कम ऑन वहां पीछे मुझे मरना नहीं है सर। I want to live. Hey, please, sir, please do something. तुम्हें कुछ नहीं होगा। Please मुझे बचाइए सर। मैंने कहा तुम्हें कुछ नहीं होगा। Family के लिए मुझे बचाइए सर। Hold मुझे बचाइए। Please save me from my family, sir. Please. मैंने कहा तुम्हें कुछ नहीं होगा। Please. देखो हिम्मत। मुझे मेरे बच्चे के लिए बचाइए। Please sir. नहीं होगा तुम्हें। मैंने कहा तुम्हें कुछ नहीं होगा। Please sir. हिम्मत रखो। मैंने दीदी, ये क्या ढूंढ रही हैं आप? दीदी, क्या हुआ है? कुछ बताओ भी। श्रेया, मुझे माफ कर दो श्रेया। क्यों? आपने क्या किया? तुम मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड हो, फिर भी मैंने तुम पर शक किया। आपने नहीं दीदी, आपके पति ने मुझ पर शक किया है। घर आने के बाद मुझे लगा तुमने कहीं सीक्रेट कैमरा रखा होगा, तो मैं उसे ढूंढने लगी। लेकिन मुझे माफ कर दो श्रेया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ दीदी, कोई बात नहीं दीदी, मैं समझ सकती हूँ। मुतुलक्ष्मी को तुम पर शक नहीं है, लेकिन वीरप्पन को तुम पर 100% शक है। तुम डेंजर जोन में हो। एक काम करो, मुतुलक्ष्मी से कहो तुम्हारे रिश्तेदार की तबीयत ठीक नहीं है, ये कहकर तुम कहीं बाहर निकल जाओ। मामला ठंडा होने के बाद लौट आना, ओके? श्रेया, तुम्हें जाना ही होगा क्या? हाँ दीदी,
क्या करूं, मजबूरी है। मेरी छोटी मौसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अपना ख्याल रखना। आप भी। तुमने कहा था तुम्हारा प्लान फुल प्रूफ है, फिर ऐसा कैसे हुआ? तुम्हारे इस डिसीजन की वजह से कितने लोग मारे गए? बट वन थिंग इज वेरी क्लियर, हम में से ही कोई एक सारी इंफॉर्मेशन वीरप्पन को लीक कर रहा है। कौन है वो? सर हम यहाँ क्यों आए हैं सर? शशि सर, कोई एक जानवर की आवाज निकालनी आती है। जानवर की? जानवर की। वीरप्पन जानवरों की आवाज बनाने में एक्सपर्ट है, उनकी आवाज बना के वो उन जानवरों को मार देता है। तुमसे होगा क्या ये? नहीं सर। ट्राई करो ना, कम ऑन। क्या कर दिया आपने सर? सर मैं जानता हूं तू ये सब जानता है, अच्छी तरह से जानता। सर आप क्या कह रहे हैं सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। अभी समझाता सर। डोंट शूट मी सर, प्लीज प्लीज सर, मुझे मत मारिए सर। सर सर प्लीज सर, मुझे मत मारिए सर। सर तो फिर बता सर, प्लीज सर, वीरप्पन गैंग से तुझे कांटेक्ट करने वाला कौन है? ये मत बोलना तुझे नहीं पता है। सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ चार लोगों को ही पता थी, उसमें से एक तू भी। सबका बैकग्राउंड चेक करने के बाद सिर्फ तुझ पर शक ही नहीं, कंफर्म है। बोल कौन है वो? कोई नहीं है सर। शशि मेरे इंटेलिजेंस का अपमान मत कर, तेरे बारे में पता करने में मुझे थोड़ी देरी हो गई, सच बोलेगा तो तेरी जान बचा लूंगा। एक छोटी सी कहानी है मेरे पास, जब हम वापस आ रहे थे वीरप्पन गैंग ने हम पर अटैक कर दिया, उस अटैक के दौरान तुम्हें चोट लग गई और तुम हीरो बन जाओगे, या फिर स्टोरी में थोड़ा सा चेंज करते, उस अटैक के दौरान तुम शहीद हो गए, वैसे भी हीरो बनोगे और ऐसे भी हीरो बन जाओगे, कहो। हाँ, चॉइस इज योर्स। शशि तुमने मुझे पहचानने में देर कर दी, बहुत स्टुपिड हो तुम। जैसे ही तुम्हारे बारे में जाना, तुम्हारी पिस्तौल से सारी गोलियां मैंने निकाल दी। तुम किसे जानते हो, ये सवाल मैं बार बार नहीं पूछने वाला, सिर्फ दो तक गिनूंगा। प्रश्न का उत्तर देने का समय शुरू होता है, याद रहे सिर्फ दो तक गिनूंगा। 2-1 गांधी, गुरु गांधी सर। ये लो। क्यों छोड़ा मुझे तूने? मुझे धोखा क्यों दिया? क्यों मुझे धोखा दिया तूने? अरे मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्यों छोड़ा मुझे? ए पगली, पागल बोला मुझे? कोई आगे नहीं आएगा, कोई नहीं। Thank you.
कोई आगे आया तो इसे गोली मार दूंगा। Come on, come on, come on, come on. Follow me, come on. अगर आवाज की तो गोली मार दूंगा। चुपचाप चल। आवाज नहीं, आवाज नहीं। छोड़ दे, नहीं तो इसे मार दूंगा मैं। देख, अगर तू इसे मारेगा तो मैं तुझे मार दूंगा। अगर हम कौन नहीं ये जाने बिना तू मर गया तो तुझसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं होगा। अगर तुझे मारने का उद्देश्य होता तो तुझे वहीं मार दिया होता। अगर असलियत जाननी है तो गन मुझे दे दे। तेरी गन मुझे दे गुरु। स्टॉप। देख, जनरली मुझे वायलेंस पसंद नहीं है, मगर मैं क्या करूं, मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं। क्या रे, इतना दर्द क्यों बर्दाश्त कर रहा है? दर्द पसंद है क्या तुझे? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तेरा नाम गांधी है। मुझे तेरे काम में कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरा टारगेट है वीरप्पन। देख, तू मेरी हेल्प कर, मैं तेरी हेल्प करूंगा। मुझे पता है तुझे हर तरह का दर्द बर्दाश्त करने की ट्रेनिंग मिली है, मगर आज मैं दर्द ना होने वाला इंटरोगेशन करूंगा। श्रेया, ये सब तुम देख नहीं पाओगी। अब आपके साथ काम कर रही हूं तो ये सब देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहां आओ। ठीक है सर। मेरे हाथ में ये जो इंजेक्शन है वो जरा इसे लगा दो। इसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। सपोज हमने इसे एंटीडोज नहीं दिया तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से इसकी मौत हो जाएगी। सर, लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये कब मरने वाला है? गुड क्वेश्चन। इंजेक्शन देने से कुछ ऐसे रिएक्शन होंगे जैसे स्किन का कलर बदलना, उसके सांस लेने के तरीके से, उसकी आंखों के पलक झपकाने की स्पीड देख समझ में आ जाएगा। और थोड़ी ही देर में बॉडी को कंट्रोल करने वाला नर्वस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाएगा। सर,
हमें ये सब करना जरूरी है क्या सर? देखो बेबी, मेरा काम है वीरप्पन को खत्म करना। उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, किसी को भी मारूंगा, यहाँ तक कि तुझे भी, और अगर जरूरत पड़ी तो अपने आप को भी। लेकिन मुझे ये सब कुछ सही नहीं लग रहा सर। सही गलत कुछ नहीं होता, हमारा मकसद सिर्फ सही और सही होना चाहिए, तो रास्ते खुद ब खुद सही हो जाते। अगर तेरे पास इससे अच्छा रास्ता है तो बता, वरना चुपचाप खड़ा रहे। हाँ तो हम कहाँ थे? सर आप नर्वस सिस्टम फेल होने के बारे में बता रहे थे। हाँ, तभी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसके पास सिर्फ एक मिनट बचा हुआ है। देखो गांधी, मरने में कितना मजा है, तेरे पास सिर्फ चंद सेकंड्स बचे हुए हैं। बोलेगा या फिर इसे फोड़ दूं? फोड़ दूं क्या? फोड़ दूं क्या? फोड़ दूं क्या? बोल। नहीं, नहीं, बताता हूं, बताता हूं, प्लीज बताता हूं। हम ही हैं, हम सुपरस्टार राजकुमार को किडनैप करने का आइडिया मैंने दिया था। हमने यानी तू एक टेररिस्ट तो है। ओके, अभी मैं तुझे एक एंटी डोज दूंगा जिससे तू और 5 मिनट जी सके। तेरी जिंदगी में ये 5 मिनट एक्स्ट्रा, अगर मैंने तुझे पूरा दे दिया तो यहां से कैसे आजाद होना है उसका तू प्लान बनाएगा। देख, तुझे अभी 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया, तू जैसे जैसे मुझे इंफॉर्मेशन देता जाएगा वैसे वैसे तेरी लाइफ भी आगे आगे बढ़ती जाएगी। जब तू मुझे पूरी इंफॉर्मेशन देगा तब मैं तेरी पूरी लाइफ बढ़ा दूंगा। अब बोल, उसके बाद क्या हुआ? तेरे ग्रुप और वीरप्पन के ग्रुप के बीच कुछ झगड़ा हुआ था, ऐसा सुना मैंने। वीरप्पन और हमारे लोगों के बीच बहुत झगड़ा हुआ था, ये सच है, मगर मेरे ही आदमियों ने वीरप्पन को धोखा दिया सर। मगर मैं उस ग्रुप में नहीं था। क्यों? राजकुमार को छुड़ाने के लिए जो पैसे दिए थे ना, उसमें मेरे ग्रुप वालों ने वीरप्पन को धोखा देकर ज्यादा पैसे लिए। मैंने अपने आदमियों को धोखा देकर ये बात वीरप्पन को बता दी। उसके बाद क्या हुआ? उसकी वजह से वीरप्पन को ज्यादा पैसे तो नहीं मिले, मगर उसे एक बात समझ में आ गई कि ये प्लान बहुत ही अच्छा है, इसलिए उसने बड़े बड़े लोगों को, पैसे वालों को, सेलिब्रिटीज को, राजनेताओं को किडनैप करने का प्लान बनाया सर। किस किस को? रजनीकांत, कंची स्वामी। तो फिर क्यों नहीं किया? शहर में इस तरह की किडनैपिंग के लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, साथ में नया आदमी भी चाहिए सर। मैं वीरप्पन को AK-47 गन चाहिए, उसके लिए वो बहुत जल्दी में है सर। नया आदमी? नया आदमियों को कहां से मंगवाता है वो? शहर में हमारे लिए काम करने वालों को, जेल के अंदर अपने लोगों को जो उसके साथ थे, वीरप्पन ने उन लोगों के हाथों उसने बहुत ही सीक्रेट मैसेज भिजवाया है। वो किससे मिलने वाला है? अभी तक वीरप्पन का आदमी उन लोगों से मिल चुका होगा, अगर नहीं मिला हो तो मुझे नहीं पता सर, मैंने सब सच बता दिया। मुझे एंटीडोज दे दो, जल्दी जल्दी दो जल्दी। मैंने तुझसे झूठ बोला, हम इसे अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसके नाम पर किसी तरह के कोई चार्जेस नहीं है, ये पुलिस कस्टडी में है। ये बात अगर पब्लिक को पता चल गई है तो पक्का वीरप्पन को भी पता चल गया होगा। प्लीज दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। और इसीलिए तुझे मरना होगा। हमारे सारे बंदे कहाँ हैं? चिंता मत कर, हमारे लोग तेरे बंदों का ख्याल रखते हैं। 20-25 खून करके बैठा है तू, और मौत से इतना डर? क्या चाहिए तुम्हें? तो क्या चीज है ये बात हम दोनों अच्छे से जानते हैं। कैन आई? दिमाग का इस्तेमाल करके तूने जो खून किए हैं उसका कोई सबूत नहीं है, इसलिए तो पुलिस से बच रहा है। मगर मुझे कोई सबूत नहीं चाहिए, वो इसलिए
कि पुलिस के साथ रहकर मैं बाहर का कोई दूसरा काम कर रहा हूं। मैं तुझे मारने के लिए नहीं आया। मुझे तेरी जरूरत है। क्योंकि मुझे तुझसे ज्यादा वीरप्पन की जरूरत है। वीरप्पन का आदमी तेरे लोगों से मिलकर वीरप्पन के लिए काम करने के लिए छोकरे मांगने के लिए आएगा तेरे पास। यह मुझे पता है। जिन छोकरों को तो भेजेगा वो मेरे होंगे। मगर अब अगर मगर कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ सुनता जा। तुझे पैसे दूंगा, वीरप्पन भी पैसे देगा, दोनों तरफ से मिलेगा माल, कोई रिस्क भी नहीं। अगर तूने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया तो तुझसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं होगा। बेवकूफों और हत्यारों को यहां जीने का कोई हक नहीं। दोनों ही हत्यारा है ना सर। हाँ, मैं भी मारता हूं, मगर कातिल को मारना गलत है, ये बोलेगा तो मैं तुझे भी मारूंगा। बोलना, डील पसंद आई ना बड़ो? वीरप्पन के कांटेक्ट में पुराने लोगों की तरफ से तुझे कदानी के आदमी के तौर पे मैं वीरप्पन से तुझे मिलवा रहा हूं। तुझे सिर्फ इतना ही करना है, उसे ऑब्जर्व करना है, उसके आगे के प्लान क्या है, वो किससे मिलता है, उसकी वीकनेस क्या है, ये जानकर मुझे बताना है। और एक बात का ख्याल रखना कि उनमें से किसी को भी तुम पर शक नहीं होना चाहिए। वहां तुम लोगों को पक्के मुसलमान के तौर पर रहना। किडनैप करने का बहुत अच्छा आइडिया था, फुल इंडिया फेमस, मगर पैसा नहीं कमा पाया। जिन पर भरोसा किया उन्होंने हमें धोखा दिया। अब फिर दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। शहर के बड़े बड़े लोगों को किडनैप करने का आइडिया बहुत अच्छा है, मगर ये सब करने के लिए बहुत सारी गन और कई लोगों की जरूरत पड़ेगी। तुम लोगों से ये काम नहीं हो पाएगा। इसके लिए कम से कम 25 लोग तो चाहिए होंगे, और मुझे लगता है ये काम करने के लिए तुम्हारा बॉस कदानी बिल्कुल सही आदमी है। ये बात जब मैं उन्हें बताऊंगा तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। हम लोग उनसे ये बोलकर आए हैं कि दोपहर मंदिर के पास हम उन्हें 25 लोगों के साथ मिलेंगे। हम लोगों को अपना गेटअप चेंज करके जाना होगा वहाँ पर। हमारे 25 लोग टीम बनाकर डिवाइड होकर बंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बटूर जैसे शहर में उनके साथ मिलकर ऑपरेशन शुरू करेंगे। इस बात का उन्हें यकीन दिलाना पड़ेगा। Thank you.
ये हमारे लीडर हैं और ये सब हमारे आदमी हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम। डोंट मूव। गन्स डाउन, एवरीबडी गन्स डाउन, मूव, पीछे चलो, पीछे। चलो पीछे। खाऊंगा धोखा। इसने बुलेट ही नहीं है, इस गन को रखकर क्या करूंगा मैं बिना बुलेट वाली गन और बिना मर्दानगी वाला मर्द, दोनों एक ही हैं। बहुत जल्द मुझे बुलेट चाहिए होंगी, गन्स चाहिए, ये दोनों चाहिए होंगी। ये मुझे मिलने दो, फिर मैं दिखाता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। सिर्फ पुलिस को नहीं, गवर्नमेंट को गिरा दूंगा। मैं क्या चीज हूं सबको दिखा दूंगा, सबको दिखा दूंगा। हेलो, तुम्हारी फीलिंग्स को मैं समझता हूं। क्या कहा? तुमसे दूर रहकर मैं तुम्हें याद नहीं करता? तुम मेरी बीवी हो, ये मैं भूला नहीं, और ये मेरी ड्यूटी है, ये तुम भी याद रखो। मैं इस काम के लिए कमिटेड हूं। Try to understand। इस काम में अपनी खुशी के लिए, अपनी फैमिली की खुशी के लिए टाइम नहीं होता, ठीक है? आई नो। ओके, हाँ हाँ, ओके ओके। मेरे प्रीवियस ऑफिसर से ज्यादा मैं बेटर हूं ऐसा सोचा था। मेरे गलत फैसले की वजह से इतने लोगों ने जाने गंवाई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वीरप्पन के हाथ से हारे हुए ऑफिसर्स की लिस्ट में
अब मेरा नाम भी शामिल हो जाएगा। कभी कभी हमें बड़ी लड़ाई जीतने के लिए छोटी मोटी लड़ाई हारनी पड़ती है। नहीं श्रेया, मुझे हारना नहीं है, मेरे लिए नहीं, वीरप्पन के हाथों मरने वालों के लिए मुझे जीतना ही होगा। श्रेया, अभी वीरप्पन को मंदिर के पास पकड़ने का मेरा प्लान फेल हो गया। उसे जिंदा पकड़ने से अच्छा उसे जान से मार देना ही बेहतर है। सैकड़ों पुलिस वालों के कातिल वीरप्पन को मैं और पुलिस वालों का कत्ल नहीं करने दूंगा। अब हाथ पे हाथ धर के बैठने का वक्त नहीं है। अब मेरा जो आइडिया है वो ये है। श्रेया की इंफॉर्मेशन के आधार पर उसकी एक आंख दूसरी आंख से छोटी है। वही वीरप्पन के लिए गन्स और एम्यूनेशन सप्लाई करता है, यह हमारे खबरी ने बताया। वीरप्पन उसके पास से AK-47 गन खरीदने वाला है। श्रेया ने जब उसे देखा था तब उसके पास कोई वेपन नहीं था, मगर वो जंगल में रहने वाले वीरप्पन से डील पक्का करने जा रहा है। हमें उसे वापस आते वक्त पकड़ना है, मगर जंगल के बाहर भी नहीं, बस में चढ़ते वक्त भी नहीं। वो इसलिए क्योंकि उसका आदमी उस पर वॉच करता रहेगा। उसे पूरी तरह से उस एरिया से बाहर आने के बाद हमें उसे पकड़ना है। मेरे आदमी ने तुझे वहां देखा है, मैं बार बार तुझे वही सवाल नहीं पूछूंगा। बोलेगा या नहीं बोलेगा? छोड़ दो इसे। बोल, बोल। मैं वीरप्पन के लिए काम करता हूँ। क्या करता है तू उसके लिए? AK-47 सप्लाई करता हूँ। कहाँ से लाता है? एक गन डीलर के पास।
हाँ, पैसा नीचे है। आजकल चेकिंग कुछ ज्यादा ही होता है, इसीलिए नीचे रखा है। दिखाऊं क्या? कोई बात नहीं, धोखा देने वालों से कैसे डील करना है हम अच्छी तरह जानते हैं। वो तो एक क्रिमिनल है ही, तुम भी उसी के जैसे करोगे? AK-47 देने जा रहे थे तुम? पागल हो गए हो क्या? अगर वो उस वेपन का इस्तेमाल करके वो कोई बड़ा अटैक करता तो? नो, नेवर। ये बात अगर होम मिनिस्टर को पता चली तो तुम्हारे साथ मैं भी फिनिश। आपने सही कहा, डिसीजन में रिस्क है। रिस्क नहीं लूंगा तो इससे भी बड़ा रिस्क होगा। वीरप्पन को जब तक भरोसे का आदमी नहीं मिलेगा वो ये काम नहीं करेगा, ये तय है। बस एक ही रास्ता बचा है, उसे जंगल से बाहर बुलाना। पुलिस वाला उसे AK-47 देगा ये सोच भी नहीं सकता वो। सर, वो पक्का हम पर यकीन करेगा। लेकिन ये सर, ये बात हमारे थोड़े ऑफिसर्स और आपके अलावा और किसी को पता नहीं चलेगी। जानता हूं तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया और मैंने कुछ सुना भी नहीं। मैंने क्या बताया आपको? हाँ, कुछ भी बोलने से पहले तुम मेरी बात सुनो। जितने पुलिस वाले हैं सब के सब बेकार हैं, इसलिए मैंने पुलिस डिपार्टमेंट छोड़ दिया। सर, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूं। इस पूरे पुलिस फोर्स में सच जानकर बिना टाइम वेस्ट किए इस वेस्ट जॉब को छोड़कर आपने अपना बिजनेस शुरू किया। इतना सब कुछ जानने के बाद तुम मेरे पास क्यों आए हो? वीरप्पन। वीरप्पन? हाँ, वीरप्पन। वीरप्पन को पकड़ने के लिए मेरे पास एक प्लान है। आप उसे पकड़ने की किसी भी मुहिम में शामिल नहीं हो, इसीलिए आपको वो पहचानेगा नहीं। आपको मैं अपना आदमी बनाकर उसके पास भेजना चाहता हूं। क्या? क्या नहीं? थैंक यू। हाँ, ये एक ऑपरेशन है, इसे हमारा पुलिस नहीं मानेगा। सपोज डिपार्टमेंट को इसके बारे में पता चला तो मुझे प्रोसिक्यूट कर सकता है, और मैं बिना अपने बॉस को बताए, बिना एसटीएफ को बताए, बिना पुलिस डिपार्टमेंट को बताए आपको थोड़ी AK-47 राइफल्स और एम्यूनिशंस देता हूं। उसे आपको वीरप्पन के पास भेजना है। और एक बात, वीरप्पन के सर पर रखा हुआ 35 लाख का इनाम आप ही को मिलेगा। मैं कुछ समझा नहीं। कोशिश कीजिए, सब समझ में आ जाएगा। देखो, तुम्हें उस बूढ़े को मनवाना पड़ेगा कि कुमार तुम्हारा आदमी है। किसी वजह से मैं
जंगल के अंदर नहीं आ रहा हूं। वीरप्पन के लिए AK-47 गन्स कुमार के हाथों ही भिजवा रहा हूं। वीरप्पन बिल्कुल नहीं मानेगा। आज तक मैं ही उसको गन सप्लाई करता आ रहा हूं, अब एकदम से कोई और गन सप्लाई करेगा तो वो बिल्कुल बिल्कुल नहीं मानेगा, मैं सच कह रहा हूं। तू भी सही कह रहा। तू अपनी ये चोट दिखा और बोल कि एक एक्सीडेंट में ऐसा हो गया, कुछ दिनों के लिए मैं चल नहीं पाऊंगा। वीरप्पन को AK-47 की जरूरत है और कुमार तेरा आदमी है, ऐसा बोल, वो तुझ पर पक्का यकीन करेगा। हाँ तेरा दर्द मैं समझ सकता हूं, लेकिन एक बात सुन ले, तेरे दर्द से ज्यादा वीरप्पन ने जनता को जो दर्द दिया है वो ज्यादा है। या यूं कहो कि तू उस जल्लाद को उसको सपोर्ट कर रहा है जो दुनिया को दर्द दे रहा है। हाँ भाई एक्सीडेंट हो गया, बोल देना लॉरी ने मुझे ठोक दिया। नहीं नहीं पैर में बहुत दर्द है, बहुत चोट आई है, मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ है, 3 महीने तक चल नहीं पाऊंगा, नहीं चल पाऊंगा मैं। लेकिन वीरप्पन को जल्दी सप्लाई करना है, ये सप्लाई कर देगा। मेरे वाले गन सप्लायर को ये जानता है, वीरप्पन को जो गन चाहिए वो सब रेडी है। अब ग्रीन शर्ट वाले का क्या करना है सर? तुम्हारा क्या ख्याल है? राज और तेरे बीच क्या संबंध है? मुगिलन के लिए हम दोनों साथ में काम करते हैं। मुगिलन? हाँ मुगिलन ही है मेन सप्लायर। hmm.
मुगलन ने कहा था कि कोई सबूत नहीं रहना चाहिए। खाना कैसा लगा? सुपर। ये मुगिलन कौन है? प्रभाकरण का करीबी आदमी है भाई, बहुत करीबी। प्रभाकरण? कौन प्रभाकरण? एलटीटी वेलुपल्ली प्रभाकरण। प्रभाकरण? ये प्रभाकरण आदमी कैसा है? क्यों? उन्हें मैं अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ। बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ मैं उनकी। मैं आपको एक बात बताऊं, एक दिन मैं मुगिलन और प्रभाकरण के साथ खाना खा रहा था तो प्रभाकरण ने आपकी बड़ी तारीफ की। वाकई? वो सच में तारीफ कर रहे थे मेरी? एक अकेला आदमी बिना संगठन के भला कुछ कर पाया है या कर सकता है? शौक होके बोला था उन्होंने। उन्होंने कहा था कि आप उनसे भी बड़े आदमी हैं, बहुत हिम्मत है आपके अंदर। नहीं नहीं नहीं, वो तो बहुत बड़े आदमी हैं। ये आप सोच रहे हैं। आपको पता है आपके जैसा कोई हिस्ट्री में भी नहीं है भाई, सभी इज्जत देते हैं आपको। ऐसा कुछ नहीं है। आप हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है भाई, सच कह रहा हूँ, मुगिलन के लिए भी। आपसे हमें बहुत कुछ सीखना है, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। उस मुगलन का दिल बहुत बड़ा है। मैं उसके बराबरी नहीं कर सकता, कभी नहीं। मैं तो उनके सामने बहुत छोटा आदमी हूँ। तुमसे कुछ पूछना चाहता था। क्या? मैं प्रभाकरण से मिल सकता हूँ क्या? नहीं 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 नहीं, प्रभाकरण किसी से मिलता नहीं है। तुमने कहा था तुमने उसके साथ खाना खाया है। वो जब चाहता है तभी आप उससे मिल सकते हैं, आपके चाहने से नहीं। वो सिर्फ मुगिलन से ही मिलता है। उस दिन मैं मुगिलन के साथ था, बस प्रभाकरण से सिर्फ एक ही आदमी है जो मिला सकता है, उसके सिवा और कोई नहीं, वो है मुगिलन। तो फिर उस मुगिलन से तुम बात नहीं कर सकते क्या? ट्राई करूंगा, काम होगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। इस समय मेरा टाइम सही नहीं चल रहा है, किस पर यकीन करूं मैं, किस पर ना करूं, समझ नहीं पा रहा। कुछ भी हो, एक बार अगर उनसे मिल लेता तो मेरे पास जो आइडिया है मैं उन्हें बता देता, फिर हम दोनों के बीच पार्टनरशिप शुरू हो जाती। वो मेरे लिए और मैं उनके लिए, एक दूसरे के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बात तो आप सही कह रहे हैं, पहले मुगलन से बात करता हूँ मैं। वो आपने जो बातें कही हैं मैं उससे बता दूंगा, वो उस पर अमल करेगा या नहीं बता देगा वो। नमस्ते मुगलन सर, जंगल का राजा आपके एलटीटी के राजा से मिलना चाहता है।
होपफुली उसकी सोच ये है। फिर भी हम लोगों को उससे होशियार रहना होगा, क्योंकि उसे यकीन हो गया है, हमने उसे यकीन दिलाया है। ऐसे ही भरोसा करके हमारे कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। उसे भरोसा किया ही या नहीं, उस भरोसे को मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं, तभी मुझे यकीन होगा। सर बहुत रियलिस्टिक नाटक किया है मैंने, मुगलन के रोल में मैंने आपको इतना डेवलप कर दिया है कि वीरप्पन को 100% भरोसा हो गया है मुझे। अगर ऐसा है तो अक्टूबर 18 वीरप्पन का आखिरी दिन होगा। उसी दिन क्यों सर? वो भी यही पूछेगा, मुगिलन मतलब कि मैं LTTE में हाईली प्लान प्रोफेशनल हूं, उससे ऐसा मनवाना होगा। अक्टूबर 18 इंडियन नेवी मंथली ड्रिल कंडक्ट करती है, और उस दौरान उस एरिया की सिक्योरिटी कम रहेगी। ऐसा क्यों बता रहा हूं? क्योंकि वीरप्पन को मारने की तैयारी करने के लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। तुम उससे कहो, प्रभाकरण ने खुद मुगिलन से कहा है, जंगल से बाहर आने के लिए अक्टूबर 18 बिल्कुल सही वक्त है। भाई बहुत लकी हो आप। मुगिलन ने आपसे मीटिंग करने के लिए प्रभाकरण को मना लिया है। बहुत खुशी हुई, पर मिलना कब होगा? आपको अक्टूबर 18 की रात को यहाँ से निकलना होगा। आप लोगों के लिए मुगलन एक गाड़ी का अरेंज करेगा, वो गाड़ी एम्बुलेंस की जैसी होगी, और आपके साथ उनके दो आदमी भी रहेंगे। वो आप लोगों को दरिया के पास छोड़ेंगे, फिर वहाँ से प्रभाकरण का आदमी आप लोगों को पिकअप करेगा। अक्टूबर 18 को क्यों? इंडियन नेवी अक्टूबर 19 को नेवी एक्सरसाइजेस कंडक्ट करता है, जिसकी वजह से कोस्ट गार्ड्स गार्ड शिप्स वहाँ से लेकर चले जाते हैं। उस वजह से उस दिन सिक्योरिटी बहुत कम हो जाती है। एक बात और भाई, मुगलन आपके साथ ही आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक और बात, आपको मूछे निकालनी होंगी। अपनी मूछ? ताकि कोई पहचान ना पाए आपको। ये बात मुझसे मुगलन नहीं कही है। मूछ? हाँ भाई, वो निकालनी तो पड़ेंगी ही मुगलन। ठीक है, ये सब मुगलन तो जानता है ना? करेक्ट।
भाई मुझो के बिना कितने स्मार्ट लग रहे हैं आप। कोई नहीं पहचान सकता। सुपर हो भाई आप। ये श्रवणन और ये पिल्ले दुराई, ये दोनों मुगलन के खास हैं। कोई भी तकलीफ आए ये दोनों संभाल लेंगे भाई, आप चिंता मत करो। तो चले चलो चलो चढ़ो चलो चढ़ जाओ चढ़ जाओ। भाई 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 गाड़ी ठीक है ना भाई? हैप्पी जर्नी भाई, टाटा। सुनाई नहीं दे रहा, गाड़ी को पीछे ले, चल पीछे ले। सुनाई नहीं दे रहा क्या? ए गाड़ी पीछे ले, चल गाड़ी पीछे ले। ए भाग।
सर वीरप्पन की बीवी आई है। आने दो ने। यस सर। आ जाओ। मैं एक ही बात सोच रहा हूं कुमार, इस मिशन की कामयाबी के लिए जो तुमने किया है, जानता हूं कि वो कानून के विरुद्ध है। अगर इस बारे में गवर्नमेंट को पता चला तो तुम्हारी बहादुरी के लिए इनाम मिलने के बजाय तुम्हें प्रोसिक्यूट कर दिया जाएगा। मैंने कुमार पर कभी भी भरोसा नहीं किया। वो एक सांप की तरह है जो तुम्हें आने वाले दिनों में कभी भी ब्लैकमेल कर सकता है। सर मैं आपको बताना भूल गया, कुमार की एक्सीडेंट में मौत हो गई। व्हाट? हाँ। तो तुम भी राक्षस बन गए? वेल सर, राक्षस का अंत करने के लिए राक्षस बनना जरूरी है सर।